ग्राम पंचायत कोगड़ राज्य बनाने का संकल्प लेकर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव की स्थिति को कैमरे में कैद करके सरकार के सामने लाने का प्रयास कर रही एबीपीएस न्यूज टीम जिला बरेली की तहसील आंबला क्षेत्र के गांव शेखपुर उर्फ बिहारीपुर में पहुंची। ग्रामीणों से बात करने के साथ साथ ग्राम प्रधान दिनेश यादव से बात करके विकास कार्यों और सरकार से गांवों की अपेक्षाओं पर चर्चा की। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने बताया कि जितना धन ग्राम निधि से सरकार द्वारा प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार विकास कार्य हो रहे हैं। मैं ग्राम प्रधान दिनेश यादव ग्राम पंचायत शेखपुर और बिहारीपुर विकासखंड आलमपुर जाफराबाद जिला बरेली तहसील आंवला। मैंने अपनी ग्राम पंचायत में 3 खड़ंजे करवा दिए, 1 सीसी रोड, 4 सौर ऊर्जा लाइट और 4 आवास, 1 सीसी और 10 पेंशन डाल दी, 15 पेंटिंग में है। पंचायत में घर की आवश्यकता है, बारात घर की भी आवश्यकता है और 20 शमशान भूमि की आवश्यकता है गांव में। ग्राम पंचायत छोटी है, पैसा सरकार से कम मिल रहा है। हमारी ग्राम पंचायत में राशन कार्ड की गरीबों के पास बहुत दिक्कत है। किसी अधिकारी से शिकायत करो तो वो अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, जबकि पात्र लोगों के पास नहीं है, अपात्र लोगों के पास राशन कार्ड है। प्रधानों के लिए मानदेय की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। विधायक और एमपी लोगों के मानदेय में उनकी कैबिनेट में पास हो जाता है नेक देर में, क्योंकि प्रधान आंदोलन करते हैं। कैबिनेट में कोई भी पार्टी किसी का विरोध नहीं करती है, उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए देर नहीं लगती है। पैसा अगर सरकार से मिल जाए, कम बहुत कमा रहे हैं हमारी ग्राम पंचायत घर पंचायत के लिए। अच्छी यही मांग करते हैं कि इन चीज़ों के लिए ऊपर से फंड भिजवाया जाए, हम अपनी मांगों को पूर्ति कर सकें और हमारी ग्राम पंचायत में जो भी राशन कार्ड है या कोई और दिक्कत है किसी भी प्रधान की है, प्रधानों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, धमकाया जा रहा है कि ये सरकार को नहीं दिख रहा है, इसकी सही जांच प्रधानों की जांच तुरंत हो जाती है। एक कोई एप्लीकेशन दे दे किसी विधायक या एमपी की, आज तक किसी ने जांच कराई है? इसके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार को नहीं दिखता ये चीज़ें। इस गांव की तहसील मुख्यालय से दूरी 15 किलोमीटर तथा जिला मुख्यालय से दूरी 25 किलोमीटर है। लगभग 1800 की आबादी और 800 वोटरों के इस गांव में राशन कार्ड धारकों की संख्या 135 ही है, तो वहीं विधवा पेंशन 70 में से 50 लाभार्थियों को ही प्राप्त हो रही है। बात अगर वृद्धा पेंशन की हो तो इसका लाभ 15 लाभार्थियों को ही मिल पा रहा है, जबकि लगभग 15 ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्हें वृद्धा पेंशन मिल जाए तो उनके बुढ़ापे की लाठी के रूप में उनका साथ देने में जीवन के लिए अमूल्य योगदान होगा। शिक्षा की बात की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राथमिक विद्यालय में कुछ बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 35 हैंडपंप लगवाए हैं व 30 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 35 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर, 5 सोलर लाइट भी लगवाई गई है। साथ ही साथ गांव में 3 खडंजे, सीसी टाइल्स रोड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 25 शौचालयों का भी निर्माण कराया है। वहीं सरकार से इस गांव की मांग है कि उन्हें पंचायत घर, बारात घर, शमशान घाट, आंगनवाड़ी केंद्र, सीसी टाइल्स रोड, पानी की टंकी, बड़ा नाला, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 150 शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 आवासों का निर्माण कराया जाए। मेरा नाम अमित कुमार राणा, पूर्व माध्यमिक विद्यालय जैतपुर में मैं सहायक अध्यापक हूँ। हमारे ग्राम प्रधान जी श्री दिनेश यादव जी, इस समय जो है मिड डे मील का चार्ज भी हमारे प्रधान जी पे है और काफ़ी अच्छा सहयोग है इनका, अच्छा चल रहा है। बच्चों को समय समय पर फल दूध वगैरह मिल ही रहे हैं और खाना भी इस समय सही है। और गांव के विकास के बारे में तो फिलहाल तो सब गांव लोग को मालूम ही होगा विकास के बारे में। ग्राम पंचायत थेगुपुर उर्फ बिहारीपुर विकास खंड आलमपुर जाफराबाद में प्रधान जी ने काफ़ी काम कराया है, फंड ना आने के कारण कुछ काम अधूरा पड़ा है।